प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यू व थाली बजाओ कोरोना भगाओ की पहली वर्षगांठ पर नागपुर जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ थाली बजाओ महंगाई भगाओ आंदोलन किया गया। आंदोलन में केंद्र सरकार व द्वारा बढ़ती गई महंगाई व देश में युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ निषेध किया गया। इस मौके पर वसीम खान ने कहा कि मोदी सरकार अपने कर्तव्य में नाकाम साबित हुई है व बेरोजगार व बढ़ती महंगाई के बारे में ना सोचते हुए उद्योगपति के बारे में ज्यादा सोचती है। इस मौके पर मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, फिरोज खान, पवन चांदपुरकर, सरफराज खान, विजय साकरे, जिशान खान, सलमान मोनू खान, अब्दुल कासिद, मोहम्मद शाहिद, सलमान खान, सुल्तान खान, राज नायक, मोहम्मद अली, अशरफ खान, मुजीब अशरफ, मोहम्मद सईद, सोनू, सप्पू, अरसद, बाबू सागर व आदि उपस्थित थी। आज के दिन 22 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने वो जनता कर्फ्यू का आगाह किया था और जनता कर्फ्यू के साथ मोदी जी ने सभी देशवासियों को अपील की थी कि 6 बजे अपने घरों पर आकर लेटे ढोल थाली बजा कर गो करोना गो का नारा लगाए। तो कोरोना तो नहीं भागा, आज इसकी 1 साल वर्षगांठ हो गई है। 1 साल की वर्षगांठ पे हमने वापस उसे रिपीट कर थाली बजा कर जो महंगाई और जो बेरोजगारी बढ़ी है उसके लिए नारा लगाया है, गो बेरोजगारी गो महंगाई गो। और हमारी अपील है मोदी जी से, अगर से वो बेरोजगारी और महंगाई और इस पर काम नहीं करे तो गो मोदी गो। बोलो गो मोदी गो।